अब आप ये भी कह सकते हैं कि स्वार्म ड्रोन को बनाने का आइडिया भी पक्षियों के झुंड से ही लिया गया है। ये ड्रोन भी जब एक साथ उड़ते हैं तो किसी पक्षी के झुंड की तरह ही नजर आते हैं। जैसे एक साथ उड़ते हुए पक्षी, हम आपको दिखा देते हैं उन दो तस्वीरों को कंपेयर करते हुए। ये पक्षियों का, चिड़ियों का झुंड है और ये स्वार्म ड्रोन्स का झुंड है। बिल्कुल जैसे पक्षी उड़ान भरते हैं झुंड में, दोनों जरा तस्वीरों को आप जब देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके की उड़ान इनकी होती है। और इन ड्रोन्स की खासियत अब आप जब इसको देखेंगे और समझेंगे तो जैसे ये झुंड में उड़ते हैं और जब दुश्मन पर ये वार करना शुरू करते हैं तो नीचे खड़े दुश्मन के लिए मुश्किल ये होती है कि वो एक साथ इतने ड्रोन्स को निशाना नहीं बना पाता और तब तक ये ड्रोन्स अपना काम कर चुके होते हैं। इनकी खासियत कही है, ये कहीं भी मुड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह ये ड्रोन भी अब जिस तरीके से पक्षी मुड़ते हैं उसी तरीके से ये मुड़ते हैं, अपनी लोकेशन से तुरंत बदल लेते हैं। स्वार्म ड्रोन्स का सिद्धांत भी संख्या पर बेस्ड है। इसका आइडिया झुंड में उड़ते कीड़ों और पक्षियों को देखकर आया था। तो ये ड्रोन्स किस तरह से चंद सेकंड में दुश्मनों के लिए डेथ वारंट बन सकते हैं, इसका एक ट्रेलर भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या आपने साल 2019 में आई जेरार्ड बटलर की फिल्म एंजल हैज फॉलन देखी है? इस फिल्म का एक सीन इस बात का सबसे सॉलिड सबूत है कि ये ड्रोन्स कितने खतरनाक होते हैं और इनसे बचना किस तरह से नामुमकिन है। इस फिल्म के एक सीन में स्वार्म ड्रोन्स की मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी में जवान जो तैनात होते हैं वो सिर्फ तबाही का तमाशा देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ना रोका जा सकता है और ना ही इनसे बचा जा सकता है। अब आपको स्वार्म ड्रोन्स की कुछ और खासियत बताते हैं जो उसे अचूक और खतरनाक बनाती है। स्वार्म ड्रोन्स किसी मिसाइल या स्ट्राइक ड्रोन की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आमतौर पर एंटी डिफेंस सिस्टम किसी ड्रोन को देखते ही मार गिराते हैं, लेकिन स्वार्म ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि रडार के लिए भी इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात यह कि एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इन स्वार्म ड्रोन्स को रिमोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी उड़ाया जा सकता है। ये अपने साथ 3 किलो से करीब लेकर के 23 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। इनमें लेजर गाइडेड, हीट बम, छोटी मिसाइल्स भी शामिल हैं। जबकि दावा यह भी किया जाता है कि इनके साथ छोटे परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ड्रोन की रेंज उस इस्तेमाल करने वाली सेना अपने हिसाब से तय करती है। भारतीय सेना को जो स्वार्म ड्रोन्स मिलेंगे उनकी क्षमता 50, उनकी जो दायरा होगा वो 50 किलोमीटर तक का होगा, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर ये हमला करने की क्षमता रखते हैं।